हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लिट्ज 2000। जैसे कि देख पा रहे हैं बोट का ब्लिट्ज 2000 मॉडल है ये हमारे पास आया हुआ है और ये ऑनलाइन में काफी कम प्राइस में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसा होम थिएटर है। 2.1 है जैसे कि आप बाहर से देख पा रहे हैं, तो इसे अनबॉक्स करके दिखाएंगे और क्या प्राइस होने वाला है सारा कुछ डिटेल से कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हैं आपको इस तरह से खोलना है, इस तरफ से जिधर रेड है वही उसी तरफ से आपको इसे ओपन करना है। फ्रेंड्स, बॉक्स के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है एक सब वूफर और दो स्पीकर और एक रिमोट। जैसे कि देख पा रहे हैं तो आपको देखने को मिल जाता है एक कोड जिसमें आप मोबाइल से भी बजा सकते हैं इधर से कनेक्ट करके, और एक रेडियो के लिए अलग से कोड मिलता है इस तरह का, और साथ में कुछ कार्ड्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, यूजर मैनुअल वगैरह। अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसके बिल्ड क्वालिटी का। तो ये वुडन बॉक्स से बना हुआ है और सामने में जो है जैसे कि देख पा रहे हैं ये मेटल का है और बाकी सारे साउंड में वुड का है इसमें, और जो स्पीकर का है ये प्लास्टिक और आगे में मेटल का बना हुआ है ये कुछ इस तरह से, और वायर का जो इसका लेंथ है लगभग 2 मीटर के आसपास है, और साइड में आपको बास बाहर की ओर निकलने के लिए ये पिन दिखेगा जिसमें, तो अंदर में जाली लगा हुआ है जिससे चूहा वगैरह अंदर नहीं जा पाए। और पीछे में भी देख पा रहे हैं ये वुडन फिनिश है, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग है इसका, और पीछे में जो कोड है ये 1.5 मीटर के आसपास इसका कोड है, और यहाँ पावर ऑन ऑफ के लिए आपको पीछे देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो इनपुट के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है जैसे कि देख रहे हैं, आउटपुट में ये लगेगा इधर, ये वाइट वाला यहाँ वाइट में चला जाएगा, ये रेड इसमें चला जाएगा। मोबाइल में डाल सकते हैं, कंप्यूटर में डाल सकते हैं आप इसे। और जो स्पीकर है फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक लेफ्ट में डालना है और एक राइट में यहाँ पे लग जाएगा, और FM का जो कोड था, FM का जो दिया गया है ऊपर में दिया गया है वो यहाँ लग जाएगा। इस तरह से आपका कनेक्शन पूरा हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं आप। तो जैसे कि यहाँ ऊपर में देख पा रहे हैं सारा फंक्शन यहाँ दिया गया है जो रिमोट में दिया गया है। तो रिमोट अगर बाय द वे कहीं गुम हो गया कुछ भी हो जाता है तो आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ एक USB का दिया गया है, एक SD कार्ड के लिए दिया गया है, और यहाँ पे फॉरवर्ड पुश और एक मोड के लिए दिया गया है, और वॉल्यूम प्लस माइनस यहाँ दिया गया है। इतने बटन आपको ऊपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें ब्लूटूथ का 5.0 वर्जन लगा हुआ है, और ये 2.1 चैनल का स्पीकर है, और जो ब्लूटूथ का रेंज है 10 मीटर तक है। तो अब बात करेंगे फ्रेंड्स इसके स्पीकर का। तो इसमें 6.5 इंच का स्पीकर एक है जो यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है, ये 6.5 इंच का है, और 2-3 इंच का स्पीकर इसमें लगा हुआ है। FM का फ्रीक्वेंसी बात करें तो 87.5 से लेकर 108 तक जाएगा जो स्पीकर है, वो 100 वाट का है। कनेक्टिविटी का बात करें फ्रेंड्स तो इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स केबल, USB, SD कार्ड और FM, इतने सारे चीज़ों से आप बजा सकते हैं इसे। तो चलिए इसे ऑन करके देखते हैं इसका साउंड किस तरह से है। उससे पहले हम लोग रिमोट का बात करेंगे फ्रेंड्स। तो जैसे कि देख पा रहे हैं रिमोट में पावर का बटन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे इनपुट का आपको बटन दिया गया है कि किससे बजाना है। यहाँ से इनपुट चेंज करेंगे तो अलग अलग आएगा, जैसे FM बजाना है, ऑक्स केबल से बजाना है, ब्लूटूथ से बजाना है, तो उसके लिए ये बटन दिया गया है, और साउंड को म्यूट करने के लिए ये बटन दिया गया है, और आगे पीछे वॉल्यूम अप डाउन, और बास के लिए अलग से बटन है, और इक्वलाइजर अलग से आप साउंड का अपना हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं उसके लिए दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स बैटरी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इसमें। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स, इसका जो ब्लूटूथ का नाम है ब्लिट्ज 2000 के नाम से आता है, और यहाँ से ब्लूटूथ सेलेक्ट करने के बाद आपके मोबाइल में ऑप्शन देगा कि ये इसमें क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पेयर का ऑप्शन देगा, उसके बाद पेयर कर देना आपको। तो चलिए बजा के देखते हैं इसे।
साउंड देखा जाए तो 100 वाट में मिला जुला के फ्रेंड्स काफी अच्छा साउंड आपको मिल जाता है 2.1 में। अब बात करते हैं इसके वारंटी के फ्रेंड्स, तो वारंटी आपको 1 ईयर का आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ऑन साइड वारंटी आपको मिलेगा इसमें। तो MRP की बात करें फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा है, 8,990 रुपया, लेकिन ये ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में आपको काफ़ी कम में देखने के लिए मिलेगा। तो ऑनलाइन में बात कर ले फ्रेंड्स तो ये आपको अभी 4,000 के आसपास में मिल जाएगा आसानी से। तो अभी बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं, काफ़ी कम रेट में आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा होम थिएटर आप कमेंट करके बता सकते हैं, और भी कोई होम थिएटर का रिव्यू चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।